नमस्कार, द डेजर्ट स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता शर्मा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ओमान और ईरान ने सोमवार को 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों के साथ साथ लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोनों पक्षों ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की ओमान यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में 8 समझौता ज्ञापन और 4 सहयोग कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए। पहला समझौता ज्ञापन डिप्लोमेटिक स्टडीज और ट्रेनिंग के क्षेत्र में, दूसरा रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में और तीसरा उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और इनोवेशन के क्षेत्र में है। इस पर विदेश मंत्री हिज एक्सीलेंसी सैयद बदर बिन हम्माद अल बुसैदी और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लयान ने हस्ताक्षर किए। चौथा समझौता ज्ञापन तेल और गैस क्षेत्र में ऊर्जा और खनिज मंत्री हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर मोहम्मद बिन हम्माद अल रूमी और ईरान के पेट्रोलियम मंत्री जवाद ओवेजी ने हस्ताक्षर किए। 16 देशों के 108 प्रदर्शकों की भागीदारी और ओमान और विदेशों से 30,000 विजिटर्स की उम्मीद के साथ कॉमिक्स 2022 सोमवार को ओमान कन्वेंशन और एग्जीबिशन केंद्र में शुरू हुआ। यह देश में टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इनोवेशन और डिजिटल परिवर्तन की सबसे बड़ी प्रदर्शनी माना जाता है। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को सेवाओं, इनोवेशन और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन करने के लिए लक्षित करता है। मानव प्रयासों को आसान और तेज बनाने का वादा करने वाली अत्याधुनिक तकनीकों और डिजिटल सेवाओं को प्रदर्शनी के 31वें संस्करण में प्रदर्शित किया गया है। कॉमिक्स 2022 में रोबोट, साइबर सुरक्षा समाधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज विशेष आकर्षण साबित हो रहे हैं। फीफा विश्व कप से पहले यूएई से कतर के लिए हवाई किराए में भारी वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि इकोनॉमी क्लास के किराए में लगभग 1,900% की बढ़ोतरी हुई है। एयरलाइंस के आंकड़ों से पता चलता है कि एक तरफा इकोनॉमी क्लास का किराया जो 25 मई को 360 दिरहम से शुरू होता है, मेगा इवेंट की शुरुआत से एक दिन पहले 20 नवंबर को बढ़कर 7,110 दिरहम हो गया। अधिकारियों के अनुसार अबू धाबी शहर में गैस सिलेंडर विस्फोट के बाद कई लोग घायल हो गए हैं। यह घटना खालिदिया मॉल के पास एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट में दोपहर के भोजन के दौरान हुई। निवासी और प्रत्यक्षदर्शी एक से अधिक विस्फोटों की रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से पहला दोपहर 12:45 से दोपहर 1 के बीच हुआ। उसके बाद 10 से 20 मिनट के अंतराल में एक और विस्फोट हुआ, जिससे गंभीर क्षति हुई। कुवैत ने धूल भरी आंधी के कारण कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की। कुवैत में सोमवार को नारंगी रंग की मोटी धुंध छाई हुई है और देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कुवैत पर मंडरा रही धूल की भारी मात्रा ने देश भर में विजिबिलिटी को लगभग शून्य कर दिया है। वर्तमान मौसम के मिजाज के कारण कमर्शियल फ्लाइट्स को रीशेड्यूल किया जाएगा, जबकि धूल भरी आंधी थमने के बाद ही हवाई यातायात सामान्य रूप से फिर से शुरू होगी। आज के खबरों में बस इतना ही। द डेजर्ट स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।